ये बहुत जरूरी है कि सारे लोगों को जाननी चाहिए, जो कि अभी 2015 ऑफकोर्स इतनी हम इतने आगे पहुंच गए कि हमें जाननी चाहिए कि आगे ये इन सबसे क्या होता है और क्या नहीं। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कल को आगे जाके हम कुछ गलत ना कर दें। ऐसा और क्या काम करूँ जिससे मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो? मुझे हीरोइन नहीं बनना, I need money for my family। गांव से एक लड़का हीरो बनने आता है तो हीरो बनने के लिए उसका टैलेंट नहीं देखते, ये देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या फायदा कर सकता है, या पैसा हम पर खर्च कर सकता है, या हमारे लिए कोई लड़की ला सकता है। ऐसे ऑडिशन होता है? मैं नई हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ सिर्फ कसाई आते हैं जिन्हें सिर्फ गोश्त की चिंता है, मरने वाला हलाल हो वो नहीं दिखता। कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म स्टार बनने का जुनून मुझे बार डांसर बना देगा। मिडिल फिंगर क्रिएशन की फिल्म जो है फिल्मी रासिला, जिसके बारे में भी प्रेम साहब ने बताया आपको शॉर्ट में, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और मेरा करेक्टर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैंने जो एक हीरोइन का करेक्टर किया, जो सोनिया मेरी बेटी बनी है, उसके फादर का करेक्टर किया। चिंता ना करें, अरे इतनी प्यारी बेटी है हमारी। अब मैं वो मुकाम हासिल करके रहूंगी जिसके लिए मैंने पहल किया था। मेरा रोल जो है इसमें एक मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उद्योगपति हूँ, क्या होता है मैं एक अयश टाइप का आदमी हूँ, जिसको हर रात तो एक बॉलीवुड की नई एक्ट्रेस चाहिए, नई मॉडल चाहिए। कार है? आई वाला सर, लो आई सर। पिंकी एक्चुअली यहाँ क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में, डायरेक्टर और एक्टर लोग रासलीला करते हैं, जिसका बेसिक आप फिल्मी रासलीला के एंजॉय करना, क्या करना कि लड़कियों का महसूस करना या पैसा का महसूस करना, और इसी बेस पर ये इसका नाम रखा गया फिल्मी रासलीला। क्योंकि रासलीला का मीन्स आप जानते हो कि वो करे तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर लीला। ऐसी कोई भी एक्ट्रेस बताओ जो किसी के साथ नहीं सोई हो। ऊपर आने के लिए किसी न किसी के नीचे जाना पड़ता है।